दोस्तों आप देख रहे हैं ओटीटी क्रेजी। आज मैं आप लोगों के सामने बात करने वाला हूं मैन वर्सेस वाइल्ड विद बियर गिल्स एंड स्पेशल गेस्ट अजय देवगन। जी हां दोस्तों, इसके पहले अक्षय कुमार, नरेंद्र मोदी जी, रजनीकांत जैसे महान जो लोग हैं वो इस शो में आए, चाहे वो एक्टर्स हो चाहे हमारे देश के इम्पोर्टेंट नेता हो। अब यहां पर इस शो में अजय देवगन ने दस्तक दी है, यानी कि सिंघम ने। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अजय देवगन ने किस तरह की जो है स्टंट्स वहां पर किए या किस तरह की चीजों से खुद को बचाया और बियर गिल्स के साथ उनकी क्या बातें हुई, फैमिली के बारे में अजय देवगन का क्या कहना है, बहुत सारी गॉसिपिंग इस वीडियो में होने वाली है। तो इस वीडियो से स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आपने ओटीटी क्रेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको धांसू खबरें मिलती रहती है। चलिए बात करते हैं क्या हुआ, क्या कैसे हुआ। अजय देवगन लहरों में फंसे हुए हैं और बियर गिल्स आते हैं उन्हें संभालने, किसी तरह सपोर्ट करने। इंडियन ओशन है लेकिन कहां पर है वो नहीं पता, एक अनडिस्क्लोज्ड आइलैंड है, मतलब वहां पर एक है ना, एक टापू जैसा है और दूर दूर तक चारों साइड से पानी है। अब बियर गिल्स आते हैं, बियर गिल्स किसी तरह से अजय देवगन को बचाते हैं, उसके बाद दोनों जाके एक जगह रुकते हैं, उसके बाद उन्हें उस जगह से भी थोड़ा आगे जाना होता है जहां पे वो आइलैंड होता है और उस वहां पर शार्क भी है और किसी तरह से बचते बचाते वो उस आइलैंड पे पहुंचते हैं और उसके बाद वो आइलैंड से किस तरह से वो कहां जाते हैं, क्या करते हैं, वो पूरी कहानी है। यहां पर एक चीज देखने को मिली इस एपिसोड में कि नॉर्मली बियर गिल्स के अगर एपिसोड्स आपने देखे होंगे अक्षय कुमार के बाकी, तो उनमें मैसेजेस होते हैं। एक रोहित शेट्टी ने मैसेज दिया था कि कोई स्टैंड करके दिखा, फिर काजोल जी का भी मैसेज था, तो ऐसे ऐसे अनिल कपूर का एक मैसेज था यहां पर अजय देवगन के लिए, तो ये थोड़ा अच्छा लगा। और अजय देवगन को जितना मैं समझता हूं एज एन एक्टर और एज ए पर्सन वो वैसे ही है, और उन्होंने कहा इस शो में कि मैं अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना ही ज्यादा पसंद करता हूं। उन्होंने कहा अपनी बेटी के बारे में, अपने बेटे युग के बारे में, और निशा और युग है ना, तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो निशा और युग, तो वो 18 साल की बच्ची उनकी हो चुकी है, 12 साल का बच्चा हो चुका है, और उन्होंने साफ कहा कि वो जो भी करना चाहे लाइफ में कर सकते हैं। और वहां पर मैंने ये नोटिस किया कि अजय देवगन का जो बचपना है या वो बहुत बहुत शरारती थे, ये तो बताया अजय देवगन ने खुद कि मैं बहुत शरारती था और बहुत कुछ हुड़दंग मचाया था उन्होंने अपने बचपन में, कि जब वो 8 या 10 साल के थे तो इलीगल ड्राइविंग उन्होंने की थी, गाड़ी चलाई थी और इस तरह की बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा कि मेरी भी बहुत सारी हड्डियां टूटी है, बहुत सारी चीजें हुई है और पहले स्टंट जो थे वो बहुत डिफिकल्ट होते थे। उनके पिताजी विधु देवगन के बारे में उन्होंने बताया कि हाँ उनके जाने का बहुत मलाल अफसोस है 2 साल से, और जब हम खुद पेरेंट्स बनते तब हमें पता चलता है कि हमारे माँ बाप कितने इम्पोर्टेंट थे, तो वो चेहरे पर एक इमोशन या आंसू वो देखने को मिला अजय देवगन के, और वो बहुत अपने पिताजी के बारे में बात करते करते काफी भावुक हो गए थे। बहुत संजीदा इंसान हो चुके हैं, बहुत ही समझदार तो है ही है, और तो बहुत सारी चीजें उन्होंने अपनी लाइफ से जुड़े हुए बहुत सारी चीजें ऐसी कही जो आई थिंक हम नहीं जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्हें किस तरह से पुलिस लॉकअप में भी बिताना पड़ा कुछ वक्त, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैंने यही ठीक से सुना है, तो वो उसके बारे में भी उन्होंने बताया और उन्होंने पूरी चीज बताई कैसे उनकी मतलब बोलते ना स्टंट वो कितना किया करते थे, उनके पिताजी कितना किया करते थे। उनके पिताजी को एक बार स्टिचेस लग गए थे सर पे, वो भी उन्होंने बताया 24 से 25 स्टिचेस किसी कांच का स्टंट करते हुए जब कुछ गड़बड़ हो गया था तो, और 20 फीट 25 फीट 30 फीट से कूदना, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताया कि जो हम लोग किया करते थे। और तो अजय देवगन ने साफ कहा है कि भाई मेरी भी बहुत ज्यादा हड्डी टूटी है, तो बियर गिल्स से पूछा कि भाई तुम्हारी भी तो हड्डी टूटी है, तो उन्होंने कहा हाँ भाई दर्द तो होता है जब चीजें हड्डियां टूटती है। तो कुल मिला के अजय देवगन ये एपिसोड काफी अच्छा लगेगा आपको, आप इसे देख सकते हैं डिस्कवरी प्लस ऐप पर, और ये 6 बजे सुबह आज रिलीज हुआ है और डिस्कवरी प्लस ऐप पर, और अगर टीवी पे देखना चाहे तो ये 25 अक्टूबर 2021 को आप 8 बजे ठीक रात आपको 8 बजे देख सकते हैं डिस्कवरी पर। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा एपिसोड लगा मुझे, और किस तरह से अजय देवगन को एक कच्ची मछली खानी पड़ती है और वो देखने को मिला, तो बहुत सारी चीजें मिली और फिल्मों के बारे में भी उन्हें बहुत सारी चीजें कही, बहुत सारी चीजें बताई,
और कुल मिला के मतलब अच्छा लगा, मतलब मैं भी इमोशंस में बह गया और अजय देवगन भी काफी खुश थे और उन्होंने कहा कि जिस तरह से भी उन्होंने ये चीजें की है बहुत ही इनक्रेडिबल, बहुत ही अलग है। और एक चीज मैंने ये भी नोटिस किया कि बियर गिल्स को भी उनका साथ काफी अच्छा लगा, उन्होंने कहा यस ही इज काइंड ऑफ मेच्योर, थोड़ा है ना बहुत अच्छे संजीदा इंसान है और वही उनकी खासियत है। तो कुल मिला के हमारे जो सुपरस्टार है अजय देवगन के बारे में, अगर आप उनके फैन है, अगर नहीं भी है, बॉलीवुड लवर है या नहीं भी है, वॉच दिस एपिसोड, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू लव इट गाइस। मेरी तरफ से रिव्यू की अगर बात करें, रेटिंग की बात करें, तो मुझे ओवरऑल काफी इनक्रेडिबल लगा। एक आईलैंड पे ही थे, कहीं और भी अगर अजय देवगन को घुमाते तो मुझे शायद ज्यादा अच्छा लगता। सो मैं इसलिए 4 स्टार दूंगा, ना कि 5 स्टार दूंगा। लेकिन हाँ, शो बहुत अच्छा है, आपको बहुत पसंद आने वाला है और आप अभी भी देखना चाहे तो डिस्कवरी प्लस ऐप पर देख सकते हैं।